दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर आपको अभी अभी सुबह की अपडेट यहाँ पर बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के द्वारा कल आह्वान किया गया था कि 2 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शहीद स्मारक पहुँचे, क्योंकि आज दोस्तों पूरी उम्मीद है, क्योंकि डॉक्टर साहब के जो नेता है गोविंद सिंह मीणा, उनके द्वारा कहा गया था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का साथ देने के लिए यहाँ पर कर्नल बेसला गुजर समाज के बड़े नेता है, हनुमान बेनीवाल जो कि जाट समाज के बड़े नेता है, भी साथ देने के लिए आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कॉल को देखते हुए रीट भर्ती, जयन भर्ती और एसआई भर्ती के पेपर को रद्द करवाने के लिए हज़ारों की तादाद में यहां पर युवा शहीद स्मारक के लिए पहुँचना स्टार्ट हो चुके हैं। देख सकते हैं आप यहाँ से लाइव तस्वीर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलों के साथ, बाकी हर जगह से युवा यहाँ पर पहुँच रहा है। राजस्थान के कोने कोने से युवा शहीद स्मारक के लिए रवाना हो चुका है, क्योंकि आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के द्वारा कहा गया है कि करो या मरो की स्थिति होगी, हम एग्ज़ाम को कैंसिल करवा कर ही रहेंगे। और ऊपर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही कि जो पेपर में जो भी शामिल है, चाहे बत्ती लाल मीणा हो, चाहे गोविंद सिंह दोतेसरा के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो भी इसमें शामिल हो सबके ऊपर यहाँ पर CBI की जाँच करवाई जाए। यहाँ दोस्तों ये CBI की जांच करवाने की यहाँ पर मांग है। अगर CBI की जांच होती है दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं जो रीट भर्ती, JN भर्ती, SI भर्ती, उसके अलावा जो आगामी आने वाली भर्ती है जैसे पटवार भर्ती, ग्राम सेवक भर्ती सहित तमाम भर्तियों में जो बहुत बड़े बड़े खुलासा हो सकते हैं और बहुत बड़े बड़े नेताओं के, बहुत बड़े बड़े आदमियों के इसमें हाथ हो सकते हैं। क्योंकि जब से आपने देखा होगा शहीद स्मारक पर जो युवा आंदोलन कर रहे थे उनको पर पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई, लेकिन जो बत्ती लाल मीणा जिसका फोटो खुद गोविंद सिंह डोटेसरा के साथ था, उसके अलावा बहुत सारे जो कर्मचारी थे अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, बत्ती लाल मीणा अभी तक फरार है। तो इसके लिए जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के द्वारा कॉल की गई थी दोस्तों, वो कॉल सफल, आप देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों की, लाखों की तादाद में आज स्टूडेंट शहीद स्मारक पहुँचना शुरू हो गए, चाहे कारों में हो, बसों में, ट्रेन से, राजस्थान के हर कोने कोने से युवा पहुँच रहे हैं। और दोस्तों अगर आप भी जयपुर के आसपास रहते हैं, तो आज अगर आपको चाहिए कि जो भी भर्तियाँ होती है हमारी वो अगर शुद्ध तरीके से हो, कि बिल्कुल फर्जीवाड़ा नहीं, तो दोस्तों आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो, जिसमें अगर आप जयपुर या जयपुर के आसपास रहे तो जरूर शहीद स्मारक पहुँचे, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चाहे मैं मर जाऊँगा लेकिन पेपर रद्द करवा करके मैं। दोस्तों अगर वीडियो सही लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलते रहे। दोस्तों धन्यवाद।